नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरें। नई दिल्ली मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। डेंगू से ठीक हुए सलमान खान, बीएमसी को गैलेक्सी अपार्टमेंट में मिला डेंगू का लार्वा। मुंबई सीएम एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कांग्रेस में आज से खड़गे राज, अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे मल्लिकार्जुन खड़गे, सामने बैठे सोनिया राहुल तो हुए भावुक। कांग्रेस में 50% पद युवाओं को अध्यक्ष बनते ही खड़गे का ऐलान, आधे पद 50 साल से कम उम्र के लोगों को देंगे। कर्नाटक नया दिशा निर्देश जारी किए हैं क्योंकि महाराष्ट्र में नए कोविड सब वेरिएंट की पुष्टि हुई। आधुनिक भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी के निर्माता माने जाने वाले एश्टन कार्टर का निधन। 26 से 28 अक्टूबर तक बदतर रहेगी दिल्ली की एयर क्वालिटी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात चुनाव पर आज शाम सीईसी की बैठक लेंगे। सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्यों ने खड़गे को दिया इस्तीफा, नई कमेटी बनाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष। G20 शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक अमेरिकी राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस की कमान संभालने के बाद बोले खड़गे, मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी के साथ छपे लक्ष्मी गणेश की तस्वीर, केजरीवाल की मांग। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में रोड रेज रिटायर्ड पुलिस वाले के बेटे की पीट पीट कर हत्या। पश्चिम बंगाल हावड़ा में प्लास्टिक के गोदाम में आग, दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर। बांग्लादेश काली मंदिर में तोड़फोड़ के बाद 4 आरोपी गिरफ्तार। भारत सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी, कहा भारतीय तुरंत छोड़ दे यूक्रेन। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़ी गई चीनी महिला। एलन मस्क 28 अक्टूबर तक ट्विटर डील कर सकते हैं क्लोज। यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल रूस की बड़ी गलती होगी, जो बाइडेन। ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। 480 किलोग्राम गांजा की तस्करी के आरोप में 2 अंतर्राष्ट्रीय महिला तस्कर गिरफ्तार। आयुष शर्मा की बर्थडे पार्टी में पहुंचे सितारे, सलमान खान ने भी की शिरकत। सुजैन खान का जन्मदिन अपने करीबी दोस्त, परिवार और बच्चों के साथ मनाना पसंद करती है। ऋतिक से शादी टूटने के बाद भी दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। बिग बॉस 16 दोस्ती पर भारी पड़ा प्यार, शालिन के लिए गौतम के खिलाफ गई टीना दत्ता। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24x7। धन्यवाद।